हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये सारे देख पा रहे होंगे, ये हमारा छत के ऊपर लगाया गया स्ट्रॉबेरी का पौधा था जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सारे देख पा रहे होंगे कैसे पॉट में मैं लगाए हुआ था, पैरेलल पॉट में लगभग 3-4 इंच के गहराई में लगाया हुआ था। और इस पौधे में कितने मात्रा में स्ट्रॉबेरी अभी लगा हुआ है, प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद में इसी वीडियो में मैं हार्वेस्टिंग का स्टेज भी आपको दिखाऊंगा, पूरा एंड तक बने रहिए। ये देखिए पूरा एक ही साथ पूरा गुच्छे में लगा हुआ है, भर भर के लगा हुआ है देखिए। और बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग भी कन्वर्ट हो रहा है, फ्लावर भी सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए इसमें सिर्फ मैं गोबर का खाद और मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर यूज किया हूँ 2 बार पॉटिंग लगाने से बाद। अभी हमारा जनवरी चल रहा है तो जनवरी में पूरा स्ट्रॉबेरी पूरा भर गया है, ठंड भी बहुत ही ज़्यादा अभी पड़ रहा है। तो धीरे धीरे ये पूरा बहुत ही शानदार तरीके से, ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, बास्केट में देख पा रहे होंगे। इसमें भी नया फ्लावरिंग भी आ रहा है, देखिए पूरा गुच्छे में सारे पॉट्स हैं, कितना अच्छे से निकल रहे हैं। और पूरा बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी भी हुआ है, ये देखिए एक गुच्छे में 5-6 करके निकल रहे हैं। ये कुछ फ्लावर आने के स्टेज में है, देख पा रहे होंगे कितना शानदार तरीके से। और दोस्तों ये देखिए हमारा ये उसके बाद का स्टेज, धीरे धीरे लाल पड़ना चालू हो गए हैं। ये देखिए कुछ स्ट्रॉबेरी अंदर, इसमें पूरी तरीके से पूरा रेड कलर हो चुका है स्ट्रॉबेरी, देख पा रहे होंगे। इसको दोस्तों बहुत सारे बार्ड्स आकर इसको खा देते हैं, तो इसको मैं हमेशा जो मच्छर का जाली होता है उसको मैं ढक के रखता हूँ, क्योंकि सारे ये लाल जैसे ही देखेंगे सारे हमारा बार्ड्स आकर इसको खा देंगे। देख पा रहे होंगे कितना स्ट्रॉबेरी में कन्वर्ट हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए एक एक गुच्छे में कितना तो हुआ है और आगे भी दिखाऊंगा, देखिए कितने शानदार तरीके से सारे में पूरा लगातार ये निकलते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे पूरा निकलेंगे। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो सारा कुछ आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो कोई भी चैनल में नए आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए गए बेल नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, जैसे ही मैं वीडियो छोड़ूंगा आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। दोस्तों ये प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे को। ये देखिए सारे में गुच्छे में भर भर के लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी, देख पा रहे होंगे मच्छर का दानी वहाँ पर लगा हुआ है। मैं इसको ढक दूंगा अच्छे से क्योंकि पूरा सारे को पार्ट्स खा देंगे ये। दोस्तों देखिए और कुछ 2-3 दिन के बाद देख पा रहे होंगे, ये देखिए जो एक पॉट में जो एक ही साथ गुच्छे में हुआ था पूरा उसको दिखा रहा हूँ कैसे पूरा देख पा रहे होंगे। पत्ते के सारे ऊपर रख दिया हूँ क्योंकि पत्ते में बीच नीचे रहने से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए देख पा रहे होंगे गुच्छे में एक ही जो पॉट में कितने सारे हुए हैं देख पा रहे होंगे स्ट्रॉबेरी। ये छत के ऊपर है, देख पा रहे होंगे 4 इंच गहराई के पॉट में ही लगा हुआ है। और स्ट्रॉबेरी का साइज भी देख पा रहे होंगे शानदार साइज में हुआ है और पूरा रेड कलर का बहुत ही शानदार लग रहा है। दोस्तों आप भी ऐसे टेरेस के ऊपर, थोड़ा इसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री के नीचे होगा तो आप आराम से ग्रो कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी, कंटिन्यूसली ठंड पड़ना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।